नमस्कार दोस्तों, साइंस पॉइंट स्कूल नदवई द्वारा संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लास 10 का टॉपिक था हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तिहाई है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, हल माना बेलन की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच है, तब ठीक है। अब देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहां का लिख दीजिए सेंटीमीटर और यहां एच सेंटीमीटर, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तब दिया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने दे रखे भाई, 462 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए भाई, ये क्या दे रखा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्ठक में h प्लस r बराबर 462 वर्ग सेंटीमीटर, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या दिया भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तिहाई है, ये भाग एक तिहाई है। यदि हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या कर दें, एक तिहाई कर दें, तो दोनों कैसे रहेंगे, समान। तो एक तिहाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है भाई। अब देखिए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh बराबर 1/3। देखिए भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना भाई, 462, तो यहां कर देंगे 462, ठीक है। देखो भाई 3 × 1=3, 3 × 5=15 और 3 × 4=12, कितनी बार कट गई, 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग देने पर देवे भाग, तो देखो LHS में LHS को भाग देंगे तो 2πr कोष्ठक में H प्लस R बराबर 462/154 और इसके बटे में क्या आ जाएगा 2πr। देखिए 2πr से 2πr कट गया, क्या बच गया, H प्लस R बराबर इसका इसमें भाग दो भाई 154 का, तो देखो 3 को गुणा करो 15 × 45, 3 × 4 कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार, तो ये का बच को 3, तो देखो H प्लस R बटी H बराबर कितना हो 3। अब 3 के बटे में कोई संख्या ना तो काम आनेंगे 1 और दोनों का कर देंगे भाई वज्रगुणा, वज्रगुणा करें भाई तो क्या हो जाएगा H प्लस R बराबर 3H, H का पक्षांतर कर दें तो R बराबर कितना हो जाएगा 3H - H, तो R बराबर कितना आ गया भाई 2H, R बराबर कितना आ गया 2H। अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 का भाई
पाई आर एक्स बराबर 154। ठीक है, अब देखो भाई, तो 2x और 2x का मान कितना भाई हमारा r, तो पाई r इंटू आर, 2h के स्थान पर क्या लिख दिया हमने r बराबर 154। तो देखो पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर आर करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 154। अब देखिए भाई आपका करना पक्षांतर, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो 154 गुणा 7/22। देखिए जो संख्या भाग में वो कहीं में जाएगी गुणा में, जो गुणा में वो कहीं में जाएगी भाग में, तो काटे 22 के काटे कितनी बार 7 बार, और 7 को गुणा 7 से करेंगे कितना वो 49। तो देखो भाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो 49, तो आर बराबर कितना जाओ 49 का वर्गमूल, और 49 का वर्गमूल कितना हो भाई 7, तो आर बराबर कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आर बराबर कितना भाई 2h, तो आर बराबर सॉरी 2h बराबर कितने आर के, तो h बराबर कितना जाओ r बटे 2, तो h बराबर कितना जाओ 7/2 सेंटीमीटर। ये का गया की ऊंचाई। अब का ज्ञात करना हमें आयतन ज्ञात करना है, तो लेके बेलन का आयतन का हो भाई पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना भाई 7/7 गुणा एच का मान 7/2। देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार, और 11 गुणा कितना करेंगे भाई 49। ठीक है, 49 को गुणा 1 से करेंगे 49 की 9 को 8 से 4। अब देखिए 49 को गुणा 1 से करेंगे 49 और 4 कितने है भाई 53, कितना होगा 539 घन सेंटीमीटर, यही आंसर है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या भाई 660 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर, और देखिए बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए समीकरण 1 से 2 पाई आर एच बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर, तो देखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर इंटू एच का मान कितना भाई 15 बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए भाई जिनका गुणा है उनका पक्षांतर करेंगे तो क्या लगेगा भाग, तो देखिए आर बराबर 660 या को भाग लगाओ पक्षांतर कर देंगे तो कहा जाओ गुणा, इनको गुणा है पक्षांतर करेंगे तो क्या लग जाओ भाग, तो 2 गुणा 22 गुणा 15, तो देखो 22 के काटे 22 दून 44 22 किया 66 और 15 के काटे 15 दूनी 30 और 2 ते 2 कटो आर बराबर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ये कागज बेलन की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना भाई आयतन, तो लिखते हैं बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो देखिए पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7/7 गुणा एच का मान कितना भाई 15, 7 से 7 कट गया तो कितना आएगा 154 गुणा 15 गुणा करो भाई 15 चौका 60, 15 5 75 और 6 81, 15 एकम 15 8 कितने गए भाई 23,
कितना होगा 2310 घन सेंटीमीटर, यही आंसर है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, बेलन का बेलन की दोनों सिरे कैसे भाई खुले हुए, बेलन खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है खोखले बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो खोखले बेलन की त्रिज्या व्यास कौन सा भीतरी, तो यहां लिख देंगे खोखले बेलन का भीतरी व्यास, ठीक है, तो खोखले बेलन की त्रिज्या आर टू बराबर भीतरी त्रिज्या का चेक करेंगे भाई आर टू पे, तो आर टू बराबर कितनी आ जाएगी 14/2 कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो भाई खोखले बेलन की मोटाई कितनी है भाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो खोखले बेलन का खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या कैसे व्यक्त करेंगे आर वन बराबर, तो देखो मोटाई कितनी है 2, आंतरिक त्रिज्या कितनी है 7, कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे खोखले बेलन की ऊंचाई खोखले बेलन की ऊंचाई कितनी है भाई 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहा गया आपका मन में खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख दो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2π कोष्ठक में h+r1 - r2, ठीक है भाई, तो मान रखो भाई, तो देखिए 2 × π का मान 22/7 इंटू r1 + r2, r1 का मान कितना भाई 9 प्लस r2 का मान कितना भाई 7 इंटू h 26 प्लस r1 9 माइनस r2 का मान कितना भाई 7, ठीक है। अब देखिए देखिए 2 × 22/7 देखिए 9 और 7 जोड़ेंगे कितने जाएंगे भाई 16, ठीक है, और देखो 9 में से 7 कितने बच गए 2 और 2 में कितने जोड़ने 26, 26 और 2 कितने जाएंगे भाई 28, देखिए 7 से काटने कितनी बार 4 बार, ठीक है, गुणा करो भाई 22 × 44 × 16 × 4 गुणा करो 16 × 4 = 64 6 16 × 4 = 64 और 6 कितने हो भाई 70 × 4 करो 4 × 16 और 4 × 7 = 28 कितना हो 2816 वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या है इसका आंसर। देखिए भाई एक खोखले बेलन दोनों सिरों से खुला है जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा अंत एवं बाह्य व्यास क्रमशः 26 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर हैं। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है खोखले बेलन की ऊंचाई
एच बराबर 20 सेंटीमीटर। खोखले बेलन का बाह्य व्यास 2R1 बराबर, देखिए बाह्य व्यास कितना भाई 30 सेंटीमीटर, तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी R1 बराबर 30/2 कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब देखो खोखले बेलन की खोखले बेलन का अंतः व्यास 2R2 बराबर कितना भाई 26, तो R2 बराबर कितना है, त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई, त्रिज्या R2 बराबर 26/2 कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो कहा भाई ये तो अंतः त्रिज्या और ई का भाई बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या व्यक्त करी हमने कहे थे R1 थे और अंतर त्रिज्या व्यक्त करी कहे थे R2 थे। अब देखो पूछ का रहा है खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू में एच, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। तो देखिए पाई का मान होता है 22/7 R1 स्क्वायर, तो देखिए यहां एक सूत्र बन रहा है, देखिए पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 इंटू एच। ठीक है, अब मान रखो पाई का मान 22/7 R1 का मान कितना भाई 15 प्लस R2 का मान कितना भाई 13 इंटू R1 का मान 15 माइनस 13 गुणा एच का मान कितना भाई 20। तो देखिए बाईस बटे 7 गुणा 15 और 13 कितने के भाई 28 गुणा, देखिए 15-13 करेंगे कितने बचेंगे 2 और 2×20 काट दो भाई 7×2 करेंगे 7 काट देंगे कितनी बार 28 है, कितनी बार काटेंगे 4 बार, तो देखो 22×4 करेंगे कितने 88×40 गुणा करो भाई 0 8×32 8×32 और 3 35 कितना होगा 3520 घन सेंटीमीटर, यही आंसर है।